वेलकम टू लेसन नंबर टू फॉर द वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग मॉड्यूल आज के इस मॉड्यूल में सबसे पहले हम इंटरनेट सर्विसेज के एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ा बात करेंगे और फिर उसके बाद बाद में हम वेब ब्राउजर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें इंटरनेट सर्विसेज के इंटरनेट सर्विसेज के एप्लीकेशंस की बात करें तो हम लोग सबसे पहले इंटरनेट सर्विसेज को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में यूज़ करते हैं आजकल आपको पता होगा मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन ही होते हैं तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन्स है उसके बाद में हम सर्चिंग में यूज़ करते हैं अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है तो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं अगर हमें टिकट बुकिंग करना है तो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं अगर हमें ऑनलाइन आवेदन करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है तो भी हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और अगर हमें ई e कम्युनिकेशन करना है तो भी हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं ई e कम्युनिकेशन के लिए भी हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं जैसे अगर हमें ईमेल भेजना है मैसेजेस भेजने हैं तो हम लोग वहाँ पर इंटरनेट यूज़ करते हैं आ, इसके अलावा हम लोग वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज़ करते हैं इंटरनेट को वेदर फोरकास्टिंग में भी इंटरनेट यूज़ किया जाता है इसके अलावा ई e कॉमर्स में भी हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं आजकल जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं वो सारी ई e कॉमर्स की वेबसाइट हैं और हम ई कॉमर्स e की वेबसाइट से प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं तो ई e कॉमर्स भी आ, इंटरनेट को यूज़ करती है तो ये सारे हमारे एप्लीकेशन्स हैं जहाँ पर हम लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं ऐसे बहुत से फील्ड्स हैं आई थिंक कि आज आ, के सिनारियों में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर इंटरनेट यूज़ नहीं किया जा रहा है ईच एंड एवरी फील्ड इज़ बीग टच्ड बाई द इंटरनेट तो अगर हम इंटरनेट की बात करें आज हम विदाउट इंटरनेट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो जितनी भी चीज़ें हैं उस सभी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत है राइट right? तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं इसके बाद में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट इज द डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है राइट right? और बेसिकली इट इज अस्ट सेट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स टू अलाउ अ यूजर टू एक्सेस वेब पेजेज राइट ये uh, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं और ये स्टैंडर्ड होता है किसी भी वेबसाइट के लिए तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ इट इज़ इट इज़ अ सेट ऑफ इट इज़ अ सेट ऑफ़ प्रोग्राम्स standard it is a set of program standards to allow to allow a user to access to access web pages to access web pages governed by the web pages governed by the protocols where where you can create where... You can create or access where you can create or access your website, your website containing text, containing text images. Graphics, audio, and video. Right for accessing for. Accessing files or creating new files or displaying or displaying on web. on web the hyperlinks the hyperlinks supported supported by http protocol बाई एच टी पी प्रोटोकॉल फाइन तो अगर मैं डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू की बात करूँ तो ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है इट इज अट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स टू अलाउ अ यूज़र टू एक्सेस वेब पेजेस गवर्न बाई द प्रोटोकॉल्स वेर यू कैन क्रिएट और एक्सेस योर वेबसाइट कंटेनिंग टेक्स्ट इमेजेस, ग्राफिक्स ऑडियो एंड वीडियो राइट तो हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट हो इमेजेस हो ग्राफिक्स हो ऑडियो या वीडियो हो हम ऐसी सारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डब्लू 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 अगर हम किसी भी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो हम लोग एच प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हाइपर टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं दिस इज़ द प्रोटोकॉल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर अगर हमें uh, कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है सर्वर से तो हम लोग एच टी पी प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे ठीक है और विद द हेल्प ऑफ द एच टी पी प्रोटोकॉल हम किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हैं और किसी भी वेब पेज को देख सकते हैं फाइन अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो है वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर तो अगर हम बात करें वेब ब्राउजिंग वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर की ठीक है तो ये क्या होता है आ, ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वेब पेज को देख सकते हैं राइट तो अगर हम इसको डिफाइन करें इट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर It is a kind of software which is used to access the website. This kind of software, this kind of Software is used is used at the client side. हम इसको कहां पर यूज करते हैं क्लाइंट साइड पर यूज करते हैं क्लाइंट साइड राइट तो वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आप क्लाइंट साइट पर यूज़ करते हैं क्योंकि आपके कंप्यूटर पे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए और जो भी आप अपने कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करते हैं वो क्लाइंट साइट कहलाता है तो ब्राउज़र को हम लोग बेसिकली क्लाइंट भी कहते हैं और जब हम इसको ओपन करते हैं हम इसमें यू डाल सकते हैं और जैसे ही हम यू डालते हैं वो यू सर्वर से कम्युनिकेट करता है और अगर उस यू के कॉरिस्पॉन्डिंग कोई भी वेब पेज सर्वर में अवेलेबल है तो वो उसे डिस्प्ले कर देता है ठीक है अगर मैं इसको ब्राउजर के बारे में अगेन मैं थोड़ा बात करूं तो दिस कंटेंस दिस कंटेंस वेरियस टूल्स various tools which are used which are used to navigate the web content used to navigate the web content to navigate the web contents वी नीड वी नीड टू टाइप द एड्रेस हमें क्या करना पड़ेगा यू आर एल पे टाइप करना पड़ेगा ब्राउजर के ऊपर टू टाइप द एड्रेस ठीक है जिसको हम लोग यू आर एल बोलेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यू आर एल ऑफ द वेबसाइट यू आर एल ऑफ द वेबसाइट एट द एड्रेस बार ठीक है जो ऊपर एड्रेस बार होता है ना हम लोग वहां पर इसको टाइप करेंगे राइट और जैसे हम टाइप करेंगे ये ब्राउजर सर्वर से कम्युनिकेट करेगा और आपका जो भी वेब पेज है वो डिस्प्ले कर देगा ठीक है इसके बाद में आपको पता होगा वेबसाइट क्या होती है वेबसाइट थोड़ा सा यहां पर एक ओवरव्यू हम लोग लेते हुए चलते हैं सभी चीजों का वेबसाइट बेसिकली ये वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जिसमें हम मल्टीपल वेब पेजेस बना करके रखते हैं और ये किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है हम इसमें डाल सकते हैं ठीक है तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट हो ग्राफिक्स हो ऑडियो हो या वीडियो हो अगर ऐसा कोई कलेक्शन है ऐसे कोई कंपोनेंट्स हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट पर हैं तो हम उसे वेबसाइट बोल सकते हैं तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं द डॉक्यूमेंट्स द डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन्स विच कंटेन कॉम्बिनेशन of computer data including including graphics sounds text video video multimedia and interactive and and interactive content that runs that runs while the user that runs while the user is interacting is interacting with the piece Each website has its own unique address. Each website has its own unique address, unique address which let a user which let a user to access to access the web page through through, through client-side application through client-side application known as known as web browser known as web browsers right we enter the website address in the browser and access the website right we enter we enter the website address in the इन दू आर एल बार इन द यू आर एल बार टू एक्सेस द वेबसाइट तो बहुत ही सिंपल है वेबसाइट की अगर हम बात करें द डॉक्यूमेंट्स विच कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर डेटा इंक्लूडिंग ग्राफिक्स साउंड टेक्स्ट, वीडियो मल्टीमीडिया एंड इंटरैक्टिव कंटेंट दैट रन्स वाइल द यूजर इज इंटरैक्टिंग विद द पेज ठीक है ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ग्राफिक्स साउंड टेक्स्ट, वीडियो मल्टीमीडिया ये सारी चीजें हैं राइट तो हम उसे वेबसाइट बोल सकते हैं और हमें वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर की ज़रूरत पड़ती है और हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है और उस यूनिक एड्रेस को हम ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं राइट right? अब हम बात करते हैं एक टर्म जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है That is the web portal. what is web portal? Web portal. Other uh, web portals ki baat rahe, web portals basically are the websites which contain a certain data or information as well as links to other websites to avail related data or information. तो अगर वेब पोर्टल की बात करें तो वेब पोर्टल एक वेबसाइट ही होती है लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर दूसरी वेबसाइट्स का लिंक होता है हम जहाँ पर जा कर के अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं जो भी चीज़ें करनी है हम उसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिंक दैट इज गिव ऑन ए पर्टिकुलर वेबसाइट तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ यहाँ पर वेब पोर्टल्स को तो वेब पोर्टल्स आर द वेबसाइट आर द वेबसाइट विच कंटेन्स विच अ असर्टेन which contain a certain data or information certain data or information as well as as well as links to other websites other website to avail to avail related data or information avail related data or information these websites seems to be seems to be complete suit about a certain अबाउट ए सर्टेन फील्ड नोन एज वेब पोर्टल राइट तो आजकल वेब पोर्टल काफी पॉपुलर हो रहे हैं वेब पोर्टल से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वेब पोर्टल्स इट इज Similarly, it is similar like a website. Or यहाँ पर आप different different links ले सकते हैं different different लिंक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी अलग अलग लिंक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जैसे जॉब से रिलेटेड मिल सकती हैं जैसे सपोज कोई वेबसाइट है कोई वेब पोर्टल है जो जॉब से रिलेटेड informations देता है तो वो लिंक आपको दे सकता है गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब्स प्राइवेट जॉब्स राइट सेल्फ मोटिवेटेड जॉब्स तो ये जो तो इन्फॉर्मेशन है वो आप इस वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं जैसे अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सर्च करना है आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब में क्लिक किया तो उसने रेलवेज़ की जॉब दिखा दी या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ठीक है या मेट्रो की जॉब तो इस तरीके की जो वेबसाइट होगी इसको हम लोग बोलेंगे वेब पोर्टल दिस इज नोन एज ए वेब पोर्टल तो ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हो दूसरी वेबसाइट्स के बारे में उसको हम लोग कहेंगे वेब पोर्टल और ये आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है ठीक है ये आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है तो वेब पोर्टल के बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स की आजकल इन प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए प्रोटोकॉल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है एफ प्रोटोकॉल एफ इसको हम लोग कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है और ये क्या करता है ये ऑर्गेनाइज करता है टेक्स्ट और बाइनरी फाइल को एक हेरारिकल स्ट्रक्चर में लाइक ए ट्री ठीक है ये टेक्स्ट और बाइनरी फाइल को अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो इट ऑर्गेनाइजेस, इट ऑर्गेनाइजेस द टेक्स्ट एंड text and binary files in a in a hierarchical structure in a hierarchical structure like a tree दूसरा एक प्रोटोकॉल है गोफर गोफर इसको हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इसको समटाइम्स इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल अगर इसकी बात करें तो ये टेक्स्ट और बैनरी फाइल को एक मेन्यू स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है It organizes it organizes the text and binary files text and binary files in menu structure. इन मैन्यूल स्ट्रक्चर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एस टी टी पी प्रोटोकॉल की एस टी टी पी प्रोटोकॉल ये भी काफी पॉपुलर प्रोटोकॉल है और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या करते हैं लिंक्स मल्टीमीडिया फाइल्स लाइक इमेजेस ग्राफिक्स ऑडियो एंड वीडियो टू वर्ल्ड वाइड वेब यह क्या करते हैं It links multimedia files, multimedia files like images, like images, graphics, graphics. ऑडियो एंड वीडियो ऑडियो एंड वीडियो टू वर्ल्ड वाइड वेब इसके बाद में एक प्रोटोकॉल है एस प्रोटोकॉल एस एम टी पी प्रोटोकॉल जिसको हम लोग जानते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल राइट ये इलेक्ट्रॉनिक uh, मैसेजेस को सेंड करने के काम आता है तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं इट इज यूज्ड टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस ठीक है तो इस तरीके से हम लोग ये सारे प्रोटोकॉल समझ सकते हैं एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग यूज करते हैं न्यूज के नाम से न्यूज जिसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क न्यू ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेटवर्क न्यू ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये न्यूज ग्रुप को हेरिकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं इट ऑर्गेनाइजेज न्यूज ग्रुप in hierarchical structure in hierarchical structure right तो so, ये चीजें हैं जिसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं और ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं अगर हम इंटरनेट से कोई भी सर्विसेज़ ले रहे हैं अगर हम ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे हैं तो ब्राउज़र्स और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स की हेल्प से होता है तो इसलिए हम लोग ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं और ये प्रोटोकॉल्स वर्चुअली काम करते हैं जब भी हम कोई आ, मेल सेंड करेंगे तो वहाँ पर एस प्रोटोकॉल वर्क करेगा और जब हम न्यूज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर न्यूज़ प्रोटोकॉल वर्क करेगा जब भी हम कोई वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर एस प्रोटोकॉल एक्सेस करने में मदद करेगा तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम लोग क्लाइंट और सर्वर के बीच में यूज़ करते हैं राइट right. तो आज के इस लेसन में हम लोग आ, यहीं तक रखेंगे आज हम लोगों ने देखा कि इंटरनेट सर्विसेज क्या क्या हैं जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं फिर उसके बाद में हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में देखा फिर हम लोगों ने वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर के बारे में देखा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पास कई एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे गूगल क्रोम है इंटरनेट एक्सप्लोरर है फायरफॉक्स है मोज़िला है राइट ये सारे क्या हैं वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स से तो अभी हम लोग आगे इन पर और भी डिस्कस करेंगे ठीक है तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ इसका एक डेफिनेशन देखा है और उसके बाद में हम लोगों ने वेबसाइट यहाँ पर किसे कहते हैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया फिर हम लोगों ने देखा वेब पोर्टल क्या होता है और फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करी जैसे एफ है गोफ़र है एच uh, है एस है और न्यूज़ प्रोटोकॉल्स है राइट right? तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे uh, मिलते हैं कल एक नए लेसन में सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन थैंक यू